मुरारी भाई ये लो 10 किलो आटा है, ये जल्दी से पीस देना। जी बहन जी, शाम को दे दूंगा, लेकिन 10 किलो आटे के 50 रुपए लगेंगे। अरे अरे इतना महंगा, ना ना ना। बहन जी 1 किलो के 5 रुपए लेता हूँ, आप ये भी तो देखिए, मैं दिन भर चक्की पीसता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को दे देना। मुरारी चक्की पीसता रहता और कितना आटा पीस लेता, अचानक से तूफान आने लगा। एक हवा का बड़ा सा भवंडर आने लगा। मुरारी की दुकान के पास से जब वो हवा का भवंडर निकला तो मुरारी का सारा आटा अपने साथ उड़ा ले गया। हाय भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया, ये हवा कहाँ से आ गई, मेरा आटा सारा उड़ गया, कोई तो बचाओ। लेकिन कुछ नहीं होता, हवा ने मुरारी की दुकान का सारा आटा उड़ा दिया था। मैं बर्बाद हो गया, अब मैं ग्राहकों को कहाँ से आटा ला कर दूंगा, मेरे पास तो अनाज लेने के लिए भी पैसे नहीं है। ए हवा के भवंडर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुरारी गुस्से में उस हवा के भवंडर के पीछे भागने लगता है। वो हवा का भवंडर एक पहाड़ी के पास जाकर रुक जाता है। ए हवा, तूने मेरी दुकान का सारा आटा उड़ा दिया है, अब मुझे मेरा आटा वापस।